अगर नरेंद्र मोदी की कुछ दस कार्डिनल गलतियों में गिना जाए इतिहास में तो सबसे बड़ी गलती उनकी होगी कन्हैया कुमार को जेल भेजना जिसके बाद ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ और आप इस इस स्टेटस तक आए आ, आपका पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी ग्रो हुआ जो स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ फेबररी स्प्रिंग अगर कहा जाए उसको 2016 में जे से उसका एज एन एक्सटेंशन आप उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं स्टूडेंट्स एज ए प्रेशर ग्रुप का क्या फ्यूचर है अभी हिंदुस्तान में पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि मेरी गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ इसलिए हम इसको फरवरी स्प्रिंग नहीं बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कि ये रोहित वेमूला की जो हत्या हुई इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ उसके बाद ये एक आंदोलन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था जे के लोग सड़कों पर थे जस्टिस फॉर रोहित वेमूला रोहित एक्ट को पास कराने को लेकर उसको डाइवर्ट करने के लिए पूरा का पूरा सरकार का प्लानिंग था उस प्लानिंग में वो फेल हुए नहीं हुए दैट इज़ डिफरेंट थिंग लेकिन वो एक साजिश थी और उसके बैकग्राउंड में यदि आप जाएंगे कि रोहित की भी हत्या क्यों हुई रोहित किस तरीके के सवाल उठा रहे थे और वो सवाल कैसे हम लोगों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था वो सवाल था कि पब्लिक सेक्टर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं पब्लिक सेक्टर के उसको बचाना है उसको क्यों बचाना है क्योंकि शिक्षा आज के समय में कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है ये बुनियादी अधिकार है लोगों का और जब हम देश की बात करते हैं नेशनलिज्म की बात करते हैं तो हमारे संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो प्रियम्बल है वो उसके पहला लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया तो देश देश के लोगों से बनता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से शिक्षा को निकाल करके जो है आपको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट दिया गया तो शिक्षा सबका अधिकार है अगर हम सब टैक्स भरते हैं तो सबके बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए ये उनका संवैधानिक अधिकार है तो इस सवाल को जो लोग लड़ रहे थे उठा रहे थे वो कह रहे थे कि कैंपस जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए उसमें सभी तरह के लोग पढ़ पाएँ दलित पिछड़े आदिवासी गरीब किसान मज़दूर महिला सब तरीके के लोग उसमें पढ़ पाएँ यही सवाल था रोहित का कि किसी तरीके से हम यहाँ पढ़ने के लिए पहुँच जाते हैं बहुत मेहनत करके और यहाँ जब आ जाते हैं तब भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है एक इकोनॉमी एक के लेवल पे होता है जब आप एजुकेशन को प्राइवेटाइज करेंगे निजी हाथों में सौंपेंगे तो एजुकेशन जो है वो सोशल वेलफेयर ड्रिवेन नहीं होगा वो प्रॉफिट ड्रिवेन हो जाएगा और जब वो प्रॉफिट ड्रिवेन हो जाएगा तो शिक्षा मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए नहीं बैंक खातों को मजबूत करने के लिए दी जाएगी दूसरा है वो सोशल और कल्चरल सवाल है सोशल और कल्चरल सवाल ये है कि हमारे यहाँ बिहार में दरभंगा महाराज होते हैं जब वो लेजिस्लेटिव असम्बली के मंबर थे और जब एजुकेशन का बिल रखा जा रहा था तो उन्होंने कहा कि सबको शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है सब पढ़ लेगा तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा हमारा बैल कौन चराएगा हमारा जो है गाय से दूध कौन निकालेगा हमारी गुलामी कौन सहेगा तो ये एक्चुअली आज़ादी का सवाल है जितने तरीके का शोषण आज़ाद देश में जितने तरीके का शोषण है उसे आज़ादी की बात है इसीलिए ये सवाल जब उठ रहे थे तो इनको राष्ट्रद्रोही इन सवालों को साबित करना ज़रूरी था और ये जो नेशनल इंटरनेशनल का डिबेट है ये बेसिकली रोहित बेमुला के इंसिडेंट से इमर्ज होकर के आया कि कहा गया कि रोहित और उसके साथी जो हैं वो याकूब मेमन के सपोर्टर थे ये नेरेटिव जो है ए बी वी पी के द्वारा खड़ा किया गया ये फर्जी बहस जो है वो खड़ा किया गया ताकि सबकी भागीदारी का सवाल शिक्षा सबको दिया जाए ये सवाल पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन होना चाहिए ये सवाल गरीब के बच्चे भी पढ़ सकें दलित भी पढ़ सके साइंटिस्ट बन सके इस सवाल को डाइवर्ट किया जाए एक बहुत बड़ा तबका स्टूडेंट पॉपुलेशन का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है जिस जिन यूनिवर्सिटीज़ में इस इस तरीके का यूनियन फॉर्मेशन uh, उतना स्ट्रॉग नहीं है या फिर ये कह सकते हैं कि उन कुछ तमाम ऐसी यूनीवर्सिटीज़ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वहाँ पर लेफ़्ट पॉलिटिक्स का इतना दबदबा नहीं रहा है शुरू से वहाँ पर uh, खैर पिछले कुछ सालों से तो खैर वहाँ पर ए और एन का ही दबदबा चल रहा है सीट शेयरिंग तर, तरीके का एक अरेंजमेंट चल रहा है वो पॉपुलेशन इस डिबेट से अभी भी अछूता है तो उस पॉपुलेशन को आपका स्टूडेंट मूवमेंट का जो आइडिया है वो कैसे असिमिलेट करेगा नहीं मैं आपको बता दूँ कई सारे उदाहरण हैं जैसे जब ऑक्यूपाई यूसी का आंदोलन हुआ साउथ अफ्रीका के स्टूडेंट ने सपोर्ट किया उनका क्या लेना देना है इस देश के स्टूडेंट मूवमेंट से क्योंकि उनका सवाल भी इसी तरीके का है सिडनी से लोगों ने सपोर्ट एक्सटेंड किया उसके बाद हमारे यहाँ जो सार्क यूनिवर्सिटी थे बकायदा उनके बच्चे आकर के मूवमेंट में शामिल होते थे जो दिल्ली आर्ट कॉलेज है उनके बच्चे जो है आकर के वो पोस्टर्स बनाते थे इसी तरीके से शिवनादर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो भी उस उस साइट को आकर के विजिट करते थे कि हम भी जे में पढ़ना चाहते हैं वहाँ सीट ही नहीं है नहीं। हम बोले एक जे क्यों हर जो है कम से कम स्टेट कैपिटल में एक जे खोला जा सकता है जहाँ इसी लेवल का जो है रिसर्च हो और उसमें जो है हेल्दी कॉम्पिटिशन हो कि इस बार इस बार का बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड जो है प्रेसिडेंट अवार्ड जो है वो किस यूनिवर्सिटी को जाएगा ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन अगर हो शिक्षा के सेक्टर में तभी जा करके हम एक मजबूत देश बना सकते अच्छा दूसरा सवाल ये इसी मुद्दे पर कि फेबररी में जो आपका प्रोटेस्ट एक सीजन ऑफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसके बाद अगर हम 2016 को वहाँ प्रोटेस्ट दर प्रोटेस्ट तो उसके बाद बड़ा आंदोलन हुआ दलित मूवमेंट ऊना से जो जिग्नेश मेवानी का जो कि युवा नेता खुद हैं उनका आंदोलन हुआ तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स यहाँ पे आके दलित पॉलिटिक्स से और एक यूथ एक्टिविज्म से मिला उसके बाद हार्दिक पटेल का बहुत बड़ा आंदोलन मुद्दे सबके अलग थे लेकिन बड़े लेवल पे जो चुनौती गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो इन यूथ लीडर्स के थ्रू गई है तो पहला सवाल ये कि क्या आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट और दलित मूवमेंट मिल रहा है और दूसरा क्या स्टूडेंट मूवमेंट यूथ मूवमेंट पर तब्दील हो रहा है देखिए पहली बात तो यह है ना कि ये जो अलग अलग आंदोलन दिखता है बुनियादी तौर पर यह आंदोलन अलग अलग है नहीं कोर में एक बात है वो ये है कि देश के संसाधनों में देश के सभी जनता का बराबर हक है और अपना अपना हक मांगने का अपने अपने राइट को असर्ट करने का ये मूवमेंट है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ऊना के दलित आंदोलन की सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें ये कहा गया कि गाय का, का काम हम करते हैं उनको साफ़ सफाई का उठाने का जब वो मर जाते हैं तो ये हमारा कोई चॉइस नहीं है हम बाउंड हैं इस काम को मजबूर हैं इस काम को करने के लिए तो ऐसा कीजिए आप गाय रख लीजिए गाय की पूछ आप रखिए राय माता को नमस्कार और हमको जमीन दीजिए हम खेती करेंगे फिर उससे आप एफ टी आई आई के क्षेत्र में आते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है कि बोलने का अधिकार तो बोलने का अधिकार किसको चाहिए जिसको बोलने से रोका जा रहा है तभी तो लोग कह रहे हैं कि राइट टू डिसेंट होना चाहिए हमारा संवैधानिक अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की जा रही है तो किन बोलने से रोका जा रहा है इस देश में कलाकारों को लेखकों को पत्रकारों को एक्टिविस्टों को चाहे वो सोशल हों पॉलिटिकल हों उनको ही तो रोका जा रहा है ना उस सवाल को हाईलाइट किया गया जब एफ का मूवमेंट हुआ अगर तो ये मूवमेंट आपस में ऑर्गेनिकली जुड़ा हुआ है पर पब्लिक कॉन्शियसनेस में कन्हैया इस तरीके से दिखता है कि कन्हैया कुमार उठे दिल्ली से जिग्नेश मेवानी उठे ऊना से और ये एक, -एक महीने का समझ लीजिए मीडिया में एक टाइम स्लॉट होता है कि स्टोरी चली इंटरनेट में लोगों का कॉन्शियसनेस को स्टोरी ने जकड़ा और उसके बाद छोड़ दिया उसके बाद यूनिटी ग्राउंड पे कहाँ है क्या इलेक्टोरल यूनिटी होगी कोई क्या अपोजिशन यूनिटी होगी कोई कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे आप इसको ग्राउंड पे अगर इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये रियलिटी है चाहे ये न्यूज बने ना बने इस पर प्राइम टाइम हो ना हो लेकिन ये रियलिटी है अगर इस देश में किसानों के पास सबसे ज़्यादा आत्महत्या विद्यार्थी कर रहे हैं वो भी एम्स आई आई टी जे एन यू जैसे इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी अगर फांसी लगा रहे हैं तो विद्यार्थी क्राइसिस में हैं है। अगर डिमोनिटाइजेशन के बाद पंद्रह लाख लोगों का रोजगार गया तो ये रियलिटी है पंद्रह लाख लोगों के रोजगार गए तो इस रियलिटी को अगर हम जोड़ें ठीक है ना तो हम क्या लैक करते हैं हम लैक करते हैं एक कॉन्टिन्यूस सोशल मूवमेंट ठीक दिक है ना? क्या है कि कुछ इवेंट्स हो रहे हैं लोग रिएक्ट कर रहे हैं उस पर सरकार जो है थोड़े देर में अपने आप को बैलेंस कर ले रही है उसमें एक कंसिस्टेंसी का अभाव है जब समाज में इतना ज़्यादा असंतोष है तो फर्जी राष्ट्रवाद की सुई जो है ना बहुत देर तक काम करने वाली नहीं है लोग सीधे सीधे इस सवाल पे आएंगे देश हमारा है हम नागरिकों का है और हम नागरिकों का सवाल ही देश का सवाल है आपके लिए इमीडिएट आंसर क्या है सोशल मूवमेंट को और तगड़ा करना या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में घुसना सीधा सवाल है डिफरेंट पॉकेट्स में जो सोशल मूवमेंट हो रहे हैं ना उनको कोऑर्डिनेट करके हुँ. उनकी एनर्जी उनकी ताकत हुँ. उनकी ऊर्जा को जो है हुँ. एक जगह संयोजित करके जो है ना एक एक जो है सोशल मूवमेंट का अल्टरनेटिव दिया जाए हुँ. और उसी सोशल मूवमेंट से जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा वही एक इलेक्टोरल अल्टरनेटिव भी दे सकता है सो आर फर्स्ट प्रायोरिटी इज सोशल मूवमेंट दो दूर नहीं है और इस समय पॉलिटिकल जो सिस्टम है हमारा उसमें ऑल्टरनेटिव किसी को दिख नहीं रहा है तो आप मुझे बताइए कि सोशल मूवमेंट्स में कितनी ऐसी प्रैक्टिकली लीडरशिप तैयार है कि आप आप जो एक कॉल पे जो यूनाइट हो के इस तरीके का एक गठबंधन बना सकें एज ए स्टूडेंट एज ए सिटीजन एज ए प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल साइंस के टर्म में बोले ये हमारा काम है कि हम रियल इशूज़ को उठाएं रियल इश्यूज को उठाने का मतलब यह है कि सरकार से सीधे सीधे सवाल हो ठीक है ना बाकी राष्ट्रवाद भारत माता की जय वंदे मातरम जिंदाबाद उसको एक तरफ़ रखते हैं गाय माता गोबर राम मंदिर उसको एक तरफ रखते हैं असल जो बात जिस मुद्दे पे सरकार चुन करके आई सबका साथ सबका विकास है पंद्रह लाख रुपये आपके खाते में पहुँचाया जाएगा महंगाई कम होगी महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम होगा हैं ये जो सवाल हैं इससे सरकार से सीधे सीधे रिपोर्ट मांगी जाए और इन पे जो है लोगों को मोबिलाइज किया जाए और हम लोग बेसिकली वही कोशिश कर रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट अगर इस सवाल को हम उठाएं तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इसको पिक करें इस पर मूवमेंट बने और आप देखेंगे कि किसान के सवाल को लगातार उठाने के बाद प्रधानमंत्री जी भी उस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो लैंड एक्विजिशन इनका ऑर्डिनेंस था उसको इनको वापस लेना पड़ा उसको ये बिल में कन्वर्ट नहीं करा पाए और देश के किसान जब उतरना शुरू हुए अभी देखें कि हर हर पॉकेट में किसान को लेकर के कोई ना कोई आंदोलन है दो बजट जो है इन्होंने किसान को फोकस करके निकाला कि किसी तरीके से इस कम्युनिटी को एक लॉलीपॉप थमाया जाए लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो एज ए स्टूडेंट जो है ग्राउंड पे किसान के सवाल को शिक्षा के सवाल को उत्तर प्रदेश में बजट पेश किया गया 93 परसेंट का बजट कट है एजुकेशन में प्राइमरी सेक्टर में भी हायर एजुकेशन में इस सवाल पे एक विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं तो किस तरीके का समाज हम बनाएंगे तो एज ए स्टूडेंट हम कह रहे हैं कि, कि जो है प्र, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए सबको शिक्षा मिलनी चाहिए और हम जितना पढ़ रहे हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि या तो हमको हमारे स्किल के हिसाब से रोज़गार दीजिए या फिर जो है हमको मिनिमम वेज दीजिए इन दोनों इम्पॉर्टेंट सवाल को लेकर के एक लॉन्ग मार्च हमारा कन्याकुमारी से चला है जो हुसैनी वाला तक पहुँचा गया और देश के हर हिस्से में जा करके के हम जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं रोड पे, इसी कमरे में बैठ करके के नहीं कर रहे ओवर एम हम नहीं हैं ओवर एम हम इसलिए नहीं हैं कि हम समझते हैं कि जब तक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज इन इशूज़ को लेकर के एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं देगी यूनाइटेड फ्रंट के मॉडल पे कि एक छोटी लकीर के सामने एक बड़ी लकीर खींचने का तब तक ये बदलाव तो संभव नहीं है लेकिन कहते हैं कि अपनी कोशिश तो करती रहनी चाहिए तो अभी भी हम लोग कन्हैया सेकेंड गेस ही कर रहे हैं क्योंकि सड़क की लड़ाई संसद तक पहुँचेगी इस चीज़ का खुलासा आप नहीं कर रहे हैं दूसरा सवाल ये कि आपने एक्चुअली वो मेरे हिस्से का चीज़ नहीं है मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ हाँ। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी हूँ कि मैं कह दूँ कि हाँ हम सारे ऑपोजिट पार्टियों को जोड़ करके एक जो है नहीं, मैं आपके निजी आपके पर्सनल इक्वेशन की बात कर पर्सनल इक्वेशन है हमारा हम बार बार कह रहे हैं कि इस देश को आज के समय में सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों से है जो इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं ठीक है सीधा सवाल ये कन्हैया कुमार 2019 से पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में उतरेंगे या नहीं देखिए अभी तक तो हम इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में नहीं उतरे हैं आगे जो हमारी कोशिश भी है उस रणनीति में ये अभी तक शामिल नहीं हुआ है लेकिन मैंने कभी भी इस संभावना को इनकार नहीं किया है मेरे लिए राजनीतिक करने की समझ सिंपल यही है कि हम हक़ और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं ठीक है ना उसमें जितना ज़्यादा सड़क पे लड़ना जरूरी है उतना ही ज़्यादा संसद में भी लड़ना जरूरी है लेकिन मैं इस बात के लिए बिल्कुल ऑब्सेस नहीं हूँ कि मुझे ही संसद में होना चाहिए आप एक एस्थ, आपका एक एस्थेटिक स्टाइल जो है डफली बजाना और म्यूजिक को स्लोग में के साथ लाना वॉट आर द काइंड ऑफ टूल्स दैट यू थिंक एस्थेटिकली एंड इन आर्ट पीपल कैन यूज़ टू काउंटर दिस काइंड ऑफ नैरेटिव एस्थेटिकली देखिए इस देश की जो लोक परंपरा है ना वो बहुत बेहतरीन है जब वेस्टर्न का म्यूजिक आया मैं कलाकार नहीं हूँ थोड़ा सा समझता हूँ उसका जब लोक गीत के साथ फ्यूजन किया गया ना वो बहुत पॉपुलर हुआ उसको लोगों ने बहुत पसंद किया पुराने जो लगन के गीत कहते हैं बिहार की भाषा में विवाह शादी के जो गाने होते हैं या फिर कोई मर गया है तो मैयत के भी गाने होते हैं जन्म से लेकर के मरण तक अलग अलग तरह के गाने हैं अलग अलग ऋतुओं के गाने हैं फाग फागुन का अलग गाना है चैत का अलग गाना है ये जो डाइवर्सिटी है उसको ही हमको अपना जो है ना एस्थेटिक्स का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो कबीर हैं कबीर क्या कहते हैं कबीर देखिए एक साथ दो बात बोलते हैं पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू उपहार और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कंकर पाथर जोड़ के माजिद लियो बनाए तापर मुल्ला दे बहरो भयो खुदा ये जो ये जो रियलिटी है जिसमें आप कबीर नानक की बात कीजिए गुरुदेव गुरु नानक क्या कहते हैं गुरु नानक कहते हैं कि साहूकार को कि तुम्हारी रू रोटी में खून है और जो गरीब की रोटी है उसमें जो है पसीने हैं मेहनत है तो ये जो एक रियलिटी है सोसाइटी का जो जिसका एक जो है सब कॉन्शियसनेस में वो मेमोरी के फॉर्म में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है ठीक है ना माँ माँ के प्रति इतना प्रेम क्यों है और माँ के साथ जो शोषण है उसका जो एक फ़र्क है उसका जो एक अंतर है वो दोनों मेमोरी में मौजूद है तो जो इनजस्टिस है वो अगर है मेमोरी में तो जस्टिस के जो के लिए जो लड़ाई है वो भी मेमोरी में है उसको हमको जो है एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसको जो है अपना एस्थेटिक्स का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जितने भी तरीके के सोशल प्रॉब्लम हैं उससे रिलेटेड जो है एक एक इंसेंट फॉर्म का एक वॉर प्रोटेस्ट स्ट्रगल रिवेलियन वो भी रहा है उसको हमको अपना मेथड बनाना पड़ेगा